शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो कामिया, इसे मेरी सलाह समझो या प्रार्थना। आदित्य के खुशियों के बीच कांटे मत बिछाओ प्लीज। अपनी बेटी की जिंदगी में मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना कामिया, क्योंकि तुम अपनी बेटी के बारे में जो भी फैसला लोगे उसमें मेरे बेटे की खुशियां शामिल हैं। अरे इस माँ ने तो अपने बेटे की खुशी के लिए उसे अपने से अलग तक कर दिया है। ये माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि कोई भी उसके उसके बेटे की खुशियों के बीच रुकावट बन जाए। बस बस, अपने बेटे की खुशियों का रोना यहाँ मत रो। निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कामिया, अगर तुमने आदित्य और ईशाना की शादी के बीच रुकावट बनने की कोशिश की, मेरी ममता चीख चीख कर दुनिया को बता देगी कि एक बच्चे को उसके परिवार से, उसके माँ बाप से दूर करने के पीछे जिसका हाथ था वो तुम थी। एक माँ की हरी भरी कोख से उसके दूध मुए बच्चे को जिसने अलग किया वो थी कामिया पराशर। तुम आदित्य और ईशाना का रिश्ता चाहती थी ना? अपने घर वालों से कहो कि आदित्य का रिश्ता लेकर यहाँ पर आ जाए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आखिर ये मेरी बेटी की खुशियों का सवाल है। बस अब बहू की डोली लाने का इंतजार है। ईशाना हमारे घर में आएगी तो हमारा घर तो फिर से रौनक और खुशियों से भर जाएगा। सुरेखा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे सौम्य बेटा आओ। नमस्ते सौम्य। देखो हमने ईशाना और आदित्य आर्यन का रिश्ता तय कर दिया है। सौम्य, तुम परी से खुद अपना रिश्ता तोड़ रहे हो। कहीं ये बात आदित्य और ईशाना के रिश्ते के बीच में आ गई, फिर भी तुम हिचकिचाओगे नहीं। अपनी बहन की परेशानी के डर से तुम परी के साथ अपना बंधन तोड़ने से नहीं घबराओगे। प्लीज सौम्य, प्रॉमिस मी दैट। I promise. वादा करता हूँ। सौम्या, तुम्हारा ये सब सोचना जायज है। ये सारी बातें मेरे मन में भी उठी थी, लेकिन जरा सोचो बेटा, ईशाना आदित्य को अपनी जिंदगी मान चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ईशाना हमारे 40 दिन वाले प्लान के बारे में कुछ नहीं जानती। वो इससे बिल्कुल अनजान है, हमारे साथ नहीं है वो बेटा। और चाहे जो भी हो, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि परी किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसलिए बेटा जो होता है वो हो जाने दो, क्योंकि इस शादी से इनकार करने के लिए
हमारे पास कोई वजह नहीं है और हम किसी को सच बता भी नहीं सकते। सौम्या, हमारे इस बैन के लिए हमने बहुत कुछ किया है, अब इसे इतनी आसानी से बिगड़ने तो नहीं दे सकते ना। शायद आप ठीक बोल रही हैं मम्मी, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, 40 दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। के लिए हमने बहुत कुछ किया है, अब इसे इतनी आसानी से बिगड़ने तो नहीं दे सकते। 40 दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। राम जी, ये रिश्तों की कैसी उलझन है, जब तक मैं ये रिश्ते समझ नहीं लेती मेरा मन बेचैन रहेगा। मम्मी जी खुद हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने खुद मुझे सौम्य की जिंदगी का हिस्सा बनाया है, तो आज मैं उन्हीं से पूछूंगी कि सौम्य मुझे अपनी जिंदगी में जगह क्यों नहीं देते हैं। मैं तो इस घर में, इस घर के लोगों को अपना बनाने आई हूँ, फिर सब मुझे पराया क्यों समझते हैं, मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं। जिन रिश्तों को मैं जन्म जन्म के रिश्ते समझती हूँ उनकी उम्र 40 दिन क्यों है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के पास मेरे सारे सवालों का जवाब है और आज मैं अपने जवाब लेकर रहूंगी। राम जी, बस मेरा साथ देना। Thank you.
आज ऑफिस में बहुत काम है काम है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मामी जी, काम्या, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं तो इसे मेरे सामने प्लीज मत लाया करो। नेक्स्ट टाइम टेक केयर। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जिनका जवाब लिए बगैर आज मैं। अरे सुरेखा जी, आप आइए ना। नमस्ते रानी माँ। खुशी, आप अचानक। अरे बेटा, मैंने सोचा कि शादी का वक्त करीब आ गया है और अभी तक मैंने कोई खरीदारी शुरू ही नहीं की इशाना के लिए। और काम्या, आप तो जानती हैं आजकल के बच्चों की पसंद बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने सोचा खुशी और परी को ले जाऊं शॉपिंग के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी छोटी सी बात के लिए इजाज़त मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। परी बेटा, तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना, जो पसंद आए शॉपिंग कर लेना। आप अपनी बहू के लिए शॉपिंग करने जा रही है तो परी भी तो मेरी इकलौती लाडली बहू है ना। जाओ बेटा चलो। शाना की शॉपिंग हो चुकी, अब तू और परी अपने लिए जो चाहिए तुम लोग खरीद लो यहाँ से। परी, तुम साड़ी लोगी या फिर क्या बात है परी, इतनी खोई खोई सी क्यों? नहीं, वो क्या हुआ ना कि कल रात को हम लोग घर वाले सब गप्पे मारे थे, इसलिए सो नहीं पाई आराम से। कम ऑन परी, अब ये सुस्ती छोड़ो और अपने लिए कोई लहंगा सिलेक्ट करो। आर्यन भैया की शादी में हम दोनों लहंगा ही पहनेंगे। नहीं लिया तो तानी माँ के दिल में 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। हमने कल जो लहंगा देखा था ना, हम वही लेंगे। मैं अपने बर्थडे पे वही पहनूंगी। इतनी सारी दुकानों पर गए, कुछ और पसंद ही नहीं आया। चलो आइए आइए सर, बैठिए। कहिए क्या देखना पसंद करेंगे, साड़ी या लहंगा? हमने कल यहाँ पर एक लहंगा देखा था, हमें वही चाहिए। हाँ याद है। एक मिनट, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। ए राहुल, तो इन्हें कुछ दिखाना, मैं भी आता हूँ। एक अच्छी सी हैवी साड़ी दिखा। पगली है, इतनी साड़ियां हैं परी मेरे पास, क्या करूंगी मैं। अरे भूपेश, क्या ये लहंगा मैं ले सकता हूँ? नहीं नहीं, आप कैसे ले सकते हैं, ये हम पसंद कर चुके हैं। अच्छा कोई बात। इसे आप पैक करवा दीजिए, साइड में रख दीजिए। ये साड़ी कैसे ली? नहीं नहीं बेटा, ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती मैं, मुझे तुम सिंपल ऐसी सिल्क की साड़ी होती है वो दिखा दो, हैवी बॉर्डर वाली। ओफो खुशी। सॉरी सर, वो लहंगा तो एक्चुअली अभी अभी बिका है। ओह नो, बिक गया जी। अच्छा कोई बात नहीं ना, कुछ और ले लो, यू विल गेट समथिंग बेटर। नहीं सौम्या, मुझे वही लहंगा चाहिए। सॉरी सर, वो तो हमारे पास एक ही पीस था। देखिए प्लीज ट्राई कीजिए ना। हाँ प्लीज जरा ट्राई करिए ना। देखिए सर, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ सर। थैंक यू। अच्छा ट्राई दिस ना, दिस इज ब्यूटीफुल। देखो ना, बस साड़ियां काफी हो गया, और मत दिखाइए साड़ियां। अरे नहीं दिखाइए, बेकार मजद करते हो तुम लोग। रहने दो, रंग तो बताइए दानी माँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली एक साहब को ये लहंगा बहुत पसंद आया है,
और वो अपनी वाइफ के लिए इसे लेना चाहते हैं। अगर आप कुछ दूसरा या अरे अरे कमाल है, ये तो हम पसंद कर चुके हैं। कोई बात नहीं खुशी, मैं कुछ और पहन लूंगी। अरे ऐसे कैसे कुछ और क्यों, लेकिन हम पसंद कर चुके हैं, बल्कि खरीद चुके हैं हम ये। जरा मुझे दिखाइए कौन है आपके ये साहब, जरा मैं भी तो मिलूं उनसे। अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि हमने जो चीज खरीदी है वही खरीदना चाहते हैं। जरा मिलाना मुझे उनसे। आप एक मिनट बेटा, जरा मैं मिलके आता हूँ इनसे। तुम लोग जब तक दूसरी चीजें देखो। हाँ कहाँ है वो? This is very good, Sanjana. बहुत अच्छा है ये। Come on, Sanjana, try करो। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। ये है मरून वाला। जरा सुनिए, जो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए वही लहंगा लेना चाहते हो जो हमने लिया है। खुशी, काफी देर हो गई मैं दानिमा को देख के आती हूँ। ये परी के लिए ले रहे हो ना? वो कलर उसे इतना सूट करेगा, तुम देखना। अरे सौम्य, अरे परी देख तो, यही है वो जो लहंगा लेना चाहते हैं अपनी बीवी के लिए। तेरी और सौम्य की पसंद कितनी मिलती जुलती है ना? तुम लोग बातें करो, मैं एक मिनट खुशी से मिल के आती हूँ। आपने सौम्य कैसे लग रहे हैं? एक साहब को यह लहंगा बहुत पसंद आया है और वो अपनी वाइफ के लिए इसे लेना चाहते हैं। जाना को जरूरी काम है। लेकिन खाना तो गर्म कर दिया है। खाना मैं वहीं। आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों बोला मुझसे झूठ आपने? जवाब चाहिए। परी मैंने आपको बता दिया है, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिए। 40 दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं। तो तुम इस बारे में जानती हो? मुझे भी, और हर कोई ये बात जानता है। हर कोई? हाँ भाभी, पर संजना भैया का अतीत है। संजना सौम्य का अतीत नहीं, वर्तमान है, सौम्य के आज का हिस्सा। Ah!
So what? देख लिया तो देख लिया. Don't worry. कुछ नहीं होगा. Relax. मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा. So don't worry. Relax. मैं हूँ. जो सवाल आप मेरी आंखों में देख रहे हैं मम्मी जी, उनका जवाब आप खुद ही दे दीजिए मम्मी जी. इन सवालों का शोर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. मैं समझती थी कि संजना सौम्य का अतीत है, इसीलिए अपने प्यार की रोशनी से मैं उनको उनके अंधेरे भरे अतीत से बाहर निकालना चाहती थी. लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद मैं समझ गई कि संजना सौम्य का अतीत नहीं, उनका आज है, उनकी जिंदगी का हिस्सा है. और आप इस बात से अनजान नहीं थी मम्मी जी, जब आप भी पहले से जानती थी तो आपने मुझे और सौम्य को शादी के पवित्र रिश्ते में क्यों बांधा? जब सौम्य की रिश्तों की डोर पहले से ही बंधी हुई थी तो आपने नए रिश्तों की शुरुआत क्यों की? जवाब दीजिए मम्मी जी, मुझसे अब आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है. मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपने सवालों का जवाब सुनने का बहुत शौक है ना, तो सुनो. रानी तुम्हारी माँ, उस औरत से जितनी नफरत थी ना मुझे, उतनी नफरत शायद ही इस दुनिया में किसी एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान से इतनी नफरत की होगी. पर अफसोस, अफसोस कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली, लेकिन मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत है ना, आज तक जिंदा. तुम्हारी माँ से तो मैं अपना बदला नहीं ले सकती, लेकिन रानी की परछाई, उसकी छवि आज भी जिंदा है. सौम्य से तुम्हारी शादी करा के इस घर की तुम्हें बहू बनाकर मैंने अपना बदला लिया है तुमसे. ठीक है मम्मी जी, आप मेरी माँ रानी से बहुत नफरत करती थी, उनका बदला आप मुझसे लेना चाहती थी, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ. लेकिन आपने इस पूरे खेल में मुझसे बदला लेने के लिए आपने अपने बेटे को एक मोहरा बना दी. इस दुनिया में कोई माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती है, पर आपने सौम्य के साथ ऐसे कैसे कर दिया? मुझे उनकी जिंदगी में लाकर सौम्य को उनके प्यार और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है. हमेशा के लिए नहीं पड़ी, हमेशा के लिए नहीं. तुम मेरे बेटे की जिंदगी में तो आ गए, लेकिन उसकी जिंदगी का हिस्सा कहाँ बन पाई तुम? और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि इस पूरी दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों का बुरा चाहे. मैं भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती. तुम्हारी शादी सौम्य से करवा के मैंने अपना बदला भी ले लिया, और सौम्य को उसके प्यार से हमेशा हमेशा मिलाने का रास्ता भी साफ कर दिया. पर वैसे भी तुम्हारे और सौम्य के शादी की उम्र ही क्या है, सिर्फ 40 दिन.